सरकारी हिंदू मास्टर भी मुझे गरियाते रहते हैं, तो आपको एक और खबर दे देता हूं। आपको याद है कि मैंने कहा था कि विग्रह उखाड़े जा रहे हैं काशी में। कई लोगों ने कहा झूठ क्यों फैलाते हो, क्यों बदनाम करते हो सरकार को, ऐसा बोला गया था, आपको ध्यान है। एक ने कहा कि कोई मास्टरवादी रात में वीडियो करते हैं कि सिर्फ दीवार तोड़ी गई है, मंदिर नहीं छुआ गया है, विग्रह नहीं छुए गए हैं, आपको ध्यान होगा। मास्टर कई मास्टरवादियों ने गाली दिया, संदीप जी आप क्या जानते हो धर्म के बारे में। अब आप देख लीजिए, ये काफी विश्वनाथ की खबर है। ये जो कुछ लोग आरटीआई लगा रहे हैं, जो अजय बताया, मैं जो अजय को बुलाया था मैंने, अजय उनके साथी जो कुछ छोटे युवा हैं जो धर्म को जानते हैं, उन्होंने जो आरटीआई लगाया लगातार प्रदर्शन किया, उसका परिणाम क्या, आज सरकार भी ये मान रही है कि हाँ विग्रह उखाड़े गए, विग्रह उखाड़े गए। इसलिए आपको जो इंडिया स्पीक डेली ने कहा, आज सरकार ने भी उसको माना है और उन्होंने कहा है कि उस विग्रह को पुनः स्थापित किया जाए। तो हम झूठ नहीं बोल रहे थे, झूठ वो मास्टर स्ट्रोकवादी बोल रहे थे, आपको टहला रहे थे। वो सरकारी हिंदू है, वो सनातनी हिंदू नहीं है, उनका हिंदुत्व तो सिर्फ सरकार और संस्था तक है। और हमारा काम है कि सरकार को भी जो जानकारी नहीं है, पीएम मोदी ने खुद अपने भाषण में कहा था कि मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे, विग्रह नहीं उखाड़े जाएंगे। यदि उखाड़ा गया तो पीएम तक पहुंचाना किसकी जवाबदेही, एक पत्रकार की नहीं है क्या, उन हिंदू संगठनों की नहीं है, उन ब्राह्मणों की नहीं है। लेकिन अगर वो अपना धर्म नहीं करेंगे तो आप कहोगे किसी काम के नहीं है, ये पत्रकार कोई काम का नहीं है, ये पंडित कोई काम का नहीं है। आज वो अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं तो आप उनको कहते हो एजेंडा चला रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अब आप बताओ, अभी अखबार की खबर है, सुनो। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण एवं सुंदरीकरण परियोजना के तहत निर्माण कार्य के लिए मुख्य परिसर से बाबा की कचहरी, अक्षय वट वृक्ष सब बताया था आपको, अब सुनिए फिर से। मुख्य परिसर से हटाए गए विग्रहों को, शब्द सुनिए अखबारों में, अब मेरी बात तो नहीं, कई मास्टर देखिए मेरे काफी दर्शक मुझे और पाठक मुझ पर भरोसा करते हैं। हटाए गए विग्रहों को आपको मैंने इलेक्ट्रिक क्रशर से विग्रह उखाड़ते फोटोग्राफ दिखाए थे, ध्यान है आपको, देखिए पुराने वीडियो में। तो हटाए गए विग्रहों को पुनः अपने स्थान पर स्थापित करने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू की गई। अब तो भरोसा करो मुझ पर, आज भी कुछ मास्टर स्टोवादी देखा हूं टेलीग्राम पर लिख रहा है और फेसबुक पर, ये इतने मूर्ख लोग हैं, ये ईश्वर से भी नहीं डरते, ये इतने मूर्ख लोग हैं, इनको लगता है, और इनको सरकार नहीं सुनती, सरकार उनको सुनती है जो धर्म के लिए, जो वो अजय और उसके ग्रुप जो लगातार प्राइम मिनिस्टर को आरटीआई दे रहे हैं, चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी ये गलत हो रहा है, तब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में संज्ञान लिया हो, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम चैनल पर इसको उठा रहे हैं। और आज ये बात अखबारों में आ गई कि विग्रहों को उखाड़ा गया, पूछो मास्टरवादी से जो आपको कहता है कि केवल दीवार तोड़े गए, झूठ बोलता है, पूछो उससे, तुम सिर्फ सुपर चैट पैसा कमाने के लिए, व्यूज के लिए लोगों को गुमराह करते हो सरकारी हिंदुओं। पूछो उस गटर के पिस्टू से जो झूठ कह रहा था, पूछो, आज तो अखबार में छपी हुई है। अब देखिए फिर से क्या लिखा है, मुख्य परिसर से हटाए गए विग्रहों को पुनः अपने स्थान पर स्थापित करने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू की गई। नवग्रह व अभिमुक्तेश्वर को तारकेश्वर मंडप में शास्त्री विधान से पुनर्स्थापित किया गया। अभिमुक्तेश्वर बताया था मंदिर उखाड़ा गया, माना पुनः स्थापित किया शास्त्रीय विधान से। तो एक मास्टर स्टोकवादी ने कहा तो बीच में बना रहे थे तो विग्रह को बर्दाश्त कर लेते क्या, अरे कुकर्मी मलेच्छ, परमात्मा में इतना भरोसा नहीं है। फिर कहा राम मंदिर भी तो उखाड़े गए, यानी वो औरंगजेब की तुलना कर, औरंगजेब ने उखाड़े तो ये सरकार ने उखाड़ दिया तो क्या हुए। इन मलेच्छों पर आप भरोसा करोगे धर्म का, इन मलेच्छों पर करोगे आप, ये जो विधर्मी है ये वास्तव में सरकारी हिंदू भी नहीं है, विधर्मी, लेकिन सरकारी हिंदू इनको चुभता है इसलिए सरकारी हिंदू कहिए। कुबेरेश्वर व वीरभद्रेश्वर को नंदी के पास बने मंदिर में पुनः विराजमान कराया गया। श्री काशी विद्वत परिसर के निर्देशन में शास्त्रीय विधान से पुनर्स्थापना की गई, यानी जो इंडिया स्पीक्स डेली कह रहा था, जो अजय और उसके समूह वहां उठा रहे थे, वो बात सच थी, अगर नहीं उठाए गए तो क्या चीज की स्थापना हुई। और कहा ही जा रहा है कि
मुख्य परिसर से हटाए गए विग्रहों को पुनः स्थापित किया गया। अच्छा किया सर, अब कहो अच्छी बात है, हम सबने मांग उठाया, वहां आंदोलन कोई कर रहा है, मुझे किसी ने कहा आप ही के तुरंत कहने से और चीजें सरकार ने कर दी। अरे मूड, वहां आरटीआई प्राइम मिनिस्टर को भेजा जा रहा, चिट्ठी भेजी जा रही, प्राइम मिनिस्टर को पत्र भेजा रहा, और वो वही लोग भेज रहे हैं जिन्होंने भाजपा के वोटर हैं, जो ब्राह्मण है भाजपा के वोटर है, जिन्होंने भाजपा को लाने के लिए हर हर मोदी के नारे लगाए चारों तरफ बनाने, वो भेज रहे हैं। सरकारी हिंदू नहीं भेज रहा, वो असली सनातनी हिंदू भेज रहे हैं। और सुनो श्री काशी, इसके अलावा सम्मुख विनायक, दुर्मुख विनायक, माँ पार्वती समेत काशी खंडोक्त समस्त विग्रहों की भी पुनः अपने स्थान पर लाया जाएगा। सुन लो दुष्टों मलेच्छों, विधर्मी मलेच्छ सरकारी हिंदुओं, सुनो, वास्तव में विस्तारीकरण परियोजना में परिसर का आकार बढ़ाया गया है, चारों ओर जप तप के लिए गलियारा बनाया गया है। इसके लिए काशी के विद्वानों से विचार विमर्श कर विग्रहों को शास्त्रोक्त पद्धति से हटाकर अन्यत्र रखा गया था। ये अखबार की भाषा है, आपको क्रसर की में मैंने दिखाया था, अब इसको कवर अप करना है, लेकिन जैसे भी हो हटाने के वो लगा रहे हैं। अब मुख्य परिसर में निर्माण संबंधी समस्त कार्य के पूरा होने के बाद सभी देव विग्रह अपने स्थान पर लाए जा रहे हैं। हालांकि देव विग्रह को उखाड़ा नहीं जाता, लेकिन ये अच्छी बात है कि उखाड़ा तो लगा रहे हैं, और मैं इसकी सराहना करूंगा, इसमें मैं मुझे जरा भी संकोच नहीं है, और मुझे प्रसन्नता है कि मैंने ध्यान सनातन पे रखा तो गलती नहीं हो रही। ध्यान अगर सरकार संस्था व्यक्ति पे रखता तो हजार गलती करता और रोज परमात्मा से माफी मांगता। परमात्मा से माफी नहीं मांगनी पड़ रही, मैं अपने कर्तव्य कर रहा हूं कि जो इन्होंने कहा जो हटाए गए हैं और फिर से लगाए गए हैं, उस वक्त हमने कहा तो हमारे कुछ कहा कि कोई रात में आता है कोई दिन में आता है, कह रहे हैं नहीं तोड़े गए, संदीप झूठ बोल रहा है। अब बताओ, अब तो वहां अखबारों में छप रहे हैं, दुष्टो करोगे क्या? अरे मलेच्छो, ऊपर जाके परमात्मा को जवाब देना है, याद रखना, और अच्छा काम करोगे तो सरकार सुनती है, चापलूस चमचों का तो सरकार भी नहीं सुनती। मोदी सरकार की इसी के लिए तो मैं तारीफ करता हूँ कि जो मुद्दे हम लोग उठाते हैं उस मुद्दों पर ध्यान जाता है। उनको मालूम है कि ये लोग धर्म के लिए, सिर्फ सनातन इनके दिमाग में है और कोई बात इनके दिमाग में नहीं। सरकार भी ये बात समझ रही है, लेकिन दुष्टों को क्या पता, किसी को पोस्ट मिल गया, किसी को जो पद मिल गया है, किसी को किसी का जो है वो हैंडल करने के लिए 2-3 लाख रुपए मिल रहे हैं। और तब आप लोग कहेंगे कि हम इंडिया स्पीक सिर्फ पत्रकारिता कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य सनातन धर्म और भारत है, पहले सनातन धर्म है और भारत है, और जब इसको हम ध्यान में रखकर काम करते हैं तो गलती होने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। और मैं आपको ये, देखो दोस्तों, देखो उस मेरे को तब भी झूठ गया, ये देखो अन्नपूर्णा माता के मंदिर को क्रसर लगा के उखाड़ा गया, देख रहे हो दुष्टों, दुष्ट दलन, हनुमान जी का नाम ऐसे नहीं, तो ये देखो अन्नपूर्णा जी का ये मंदिर था, ये देखो कैसे तोड़ा गया था, ये देखो देखो ये क्रसर, ये जेसीबी मशीन घूम रहे थे दोस्तों, देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैसे उखाड़े गए थे। अब की फिर से, क्योंकि मैं करूंगा, चलिए, जिन लोगों ने आंदोलन किए और उनकी मांग पहुंची, और इसीलिए जो उस दिन आपको याद है कुछ लोग ये सपाई है ये बसपाई है जो कर रहे थे, अरे आज उनकी बात सरकार ने सुनी, तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम लोग जो गुमराह कर रहे थे भाई, सरकार को भी तुम बताओगे तब तो धर्म के बारे में, सरकार को कोई बताएगा नहीं तो कहां सरकार को पता चल जाएगा। तो ये आपको जो है, आप इसको आज ये खबर आ गई है कि सरकार जो है उन मंदिरों का पुनः जो है विग्रहों की स्थापना कर रही है, और ये जो विग्रह हैं हमारे वो शास्त्रोक्त विधि से कह रही है कि हम लगा रहे हैं, उखाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उखाड़ा कोई बात नहीं है, अब विग्रहों को स्थापित कर रहे हैं। इससे ये बात क्लियर हो गई कि इंडिया स्पीक डेली जो कह रहा था वो सही कह रहा था, और जो हमने दिखाया वो हमने सही दिखाया, जो दुष्ट जो है हम मुझे गाली दे रहे थे, वो दुष्ट आज दूसरे कुतर्क करके अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा अपने पाठक दर्शकों से इतना ही आग्रह है कि आप सच पे भरोसा करते हैं तो इंडिया स्पीक डेली आपके साथ है, पुनः ये दिखाकर मैं इस आज के पूरे न्यूज टॉप
न्यूज को मैं आपको समाप्त करता हूं। और ये देखिए, बाबा दरबार में पुनर्स्थापित हुए नवग्रह व अभिमुक्तेश्वर विस्तारीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए थे। विस्थापित कुबेरेश्वर वीरभद्रेश्वर समेत विग्रह भी आए स्थान पर। यानी मैं जो कह रहा था, वहां जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो धर्म की राह पर थे, और सरकार ने भी इसे माना, और इस धर्म के राह को कभी भी क्षति नहीं पहुंचती। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। और मैं धन्यवाद दूंगा सरकार का कि सरकार जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी बात को सरकार ने सुना, और जिसके कारण जो जमीन जो हुआ, खुद प्राइम मिनिस्टर का बयान है कि हम नहीं उखाड़ने देंगे, पर वहां उखाड़े गए तो प्राइम मिनिस्टर तक ये सूचना गई, चिट्ठी भेजे गए, आरटीआई के जवाब भेजे गए, सारे पत्र भेजे गए, लोगों के प्रदर्शन हुए वहां, लोगों ने पत्र भेजे, बहुत सभ्य भाषा में ये विरोध हुआ है, बहुत ही सभ्य भाषा में, धर्म की भाषा में। इंडिया, आप देखो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मेन अखबारों और चैनलों ने तो कवर नहीं किया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने सरकारी हिंदू बनना स्वीकार किया, इंडिया स्पीक्स डेली ने नहीं, वो सनातनी हिंदू है। हमने फिर अजय को जगह दिया, कोई उसको जगह नहीं दे रहा था, जगह दिया, उसने अपनी बात रखी, और आज ये सत्यापित हुआ। सनातन की राह रखिए, सनातन आपकी रक्षा करेगा, सदा रक्षा करेगा, धर्मो रक्षति रक्षत, इसीलिए कहा गया। बहुत बहुत धन्यवाद।